नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। पिछले दिनों चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड के आरोपी रोशन गुर्जर को पुलिस घटनास्थल लेकर पहुंची, जहां पुलिस ने आरोपी रोशन से व्हीलचेयर पर से घटनास्थल की तस्दीक कराई। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों गुर्जर गैंग के सरगना रौनक गुर्जर और रोशन गुर्जर ने अपने ही भाई मोंटू गुर्जर पर हत्या की नीयत से गोली चलाई थी और क्षेत्र में दहशत फैलाई थी। इस हमले के बाद लोगों में दहशत बैठने के उद्देश्य और हफ्ता वसूली के लिए रोशन और अनमोल ने शहर के दो व्यापारियों पर गोली चलाकर रुपयों की मांग की थी। पुलिस ने आरोपी रोशन और रौनक की गैंग को पकड़ने का जब प्रयास किया था, तभी आरोपियों ने पुलिस पर हमला भी किया था, जहां पुलिस दोनों बदमाशों के पैर की गोली मारकर हिरासत में लिया था, जहां पुलिस ने इलाज होने के बाद आरोपी रोशन को गिरफ्तार किया और ढांचा भवन क्षेत्र में मोंटू गुर्जर पर हुए हमले के घटनास्थल पर तस्दीक कराने पहुंचे। एक्सटेंशन घटनास्थल पुलिस ने आरोपी से वारदात को अंजाम देने और फरार होने को जानकारी जुटाई और आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां दूसरे अपराधों के मामलों के अलग अलग थाना पुलिस न्यायालय से आरोपी को रिमांड पर लेगी। देखिए, कल रिमांड पर मिला था हमें जो रोशन गुर्जर है, हमारे थाने में मोंटू गुर्जर के ऊपर जो हमला हुआ था उसके प्रकरण की विवेचना में रिमांड कर लिया था। आज उसको घटनास्थल पे वेरिफिकेशन के लिए पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया था, तो वही सत्यापन किया गया है और जब्ती की कार्रवाई की। खबर समय जगत के लिए उज्जैन से ब्यूरो चीफ रूपेश तिवारी की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।